इन बातों पर चर्चा होगी। सर मोटे तौर पे कितने करने जा रहे हैं आप? आपके सामने बीजेपी है। मध्य प्रदेश की बीजेपी से हमारा कोई गठबंधन नहीं है। हमारा गठबंधन यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी देश के स्तर पे है, प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं, उनके नेतृत्व में जो यहाँ सरकार चल रही है या पार्टी चल रही है उससे मेरा गठबंधन है। मध्य प्रदेश का अलग मामला है, वहाँ मेरा गठबंधन उनसे नहीं है, इसलिए हम अपनी पार्टी के प्रचार में वहाँ जाएंगे। सर मोटे तौर पर कितनी सीटें आप लोग चाहते हैं? नहीं देखिए, कितनी सीट चाहते हैं इस पर संख्या तो तय होगी वहाँ जहाँ बातचीत चलेगी, लेकिन हमने पहले कहा है कि जितनी सीटों पर हम पिछली बार लड़े थे इस बार हमारी ताकत बढ़ी है, तो उसके आधार पे पिछली बार के मुकाबले जो हमारी ताकत बढ़ी उसका ध्यान रखते हुए तब सीटों की संख्या निर्धारित। सर एक तरफ बयान साजी का दौर चल रहा है क्योंकि एनडीए में लगातार प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के, गंभीर नेता हैं, राज्यसभा के एमपी हैं, और वो कह रहे हैं कि आपके रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चले भी जाएं तो उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वशिष्ठ नारायण सिंह प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। देखिए वशिष्ठ बाबू दादा हैं, नीतीश कुमार जी के ही सिर्फ दादा नहीं है, हम सब लोगों के दादा हैं। अब इस तरह की बात उन्होंने की है कि चले जाने से, आरएलएसपी के चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो गनीमत समझता हूं कि इतना ही उन्होंने कहा। उनको तो कहना चाहिए कि आरएलएसपी के जाने से एनडीए को और मजबूती मिलेगी, तब नीतीश जी ज़्यादा खुश होते उन पर। पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जेडीयू के नेता बयान दे रहे हैं लगातार। देखिए निश्चित रूप से जो कुछ भी चल रहा है जनता दल यूनाइटेड के की ओर से, और उसमें खास करके नीतीश कुमार जी के निर्देश पर ही सब चल रहा है, उनकी तो लगातार कोशिश रही है कि जितना डैमेज हो सके, जितना बर्बाद करना संभव हो सके उतना उपेंद्र कुशवाहा को बर्बाद करो, आरएलएसपी को बर्बाद करो, और उसी दृष्टि से उनकी कोशिश अभी भी, अब एनडीए में हम लोग हैं साथ चल रहे हैं, फिर भी हमारे विधायक को तोड़ने की कोशिश उनकी ओर से, और पता नहीं अभी हमारे एक विधायक उधर से उधर हो भी गए तो हमको कहाँ कोई फ़र्क पड़ना है, न उनको कोई फ़र्क पड़ना है, बहुमत उनका है ही। तो इस परिस्थिति में भी ऐसा काम, इसका सीधा अर्थ है कि किसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा का नाश करो। सर चिराग मिलके कल भूपेंद्र यादव से निकले और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपसे बात करेंगे, आपको मनाएंगे, आप वरिष्ठ नेता हैं, इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए। तो आप क्या मतलब एनडीए में ही दूसरा अलायंस कुछ और बात कह रहा है, दूसरी पार्टी कुछ और बात कह रही है, क्या चल रहा है? आखिर भारतीय जनता पार्टी से बात करेंगे। सर आपको क्या लगता है क्या देर शाम भी आपकी अमित शाह से मुलाकात हो पाएगी? हो सकती है, हमने उनके कार्यालय को सूचित किया है कि हम दिल्ली में हैं, हम बात करना चाहते हैं, संभव है, बात हो सकती है।